सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना CISF के पेपर में। तो कैसे हो मेरे CISF के जवानों, कैसी चल रही है तैयारी? अभी तक तो बिल्कुल फिट फाट हो चुके होंगे आप लोग, तो टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर घबराहट हो रही है, एग्जाम कैसे देना है। वो स्टूडेंट भी इस वक्त घबरा रहे हैं जो कि पहले एग्जाम दे चुके हैं। जो पहली बार दे रहे हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो भी घबरा रहे हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि सभी स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे CISF से एक उम्मीद लगा रखी है। CISF एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट में है, और इसके अलावा जो इसमें स्टूडेंट्स वगैरह जो एग्जाम देने वाले हैं, मतलब लिमिट में सब कुछ है और रिजल्ट काफी अच्छा इसमें आने वाला। तो बहुत से स्टूडेंट ने जो CISF से उम्मीद लगा रखी है, और उम्मीद लगानी चाहिए, उम्मीद से ही दुनिया है। तो उम्मीद आप लोगों ने लगा रखी है, आप लोग कामयाब जरूर होंगे। अभी तक आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी, टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देने जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी एग्जाम देने में। एग्जाम देने के बाद आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि सर मैंने इतने क्वेश्चन किए, पेपर इतना ईजी था। जी हाँ, पेपर बहुत अच्छा आप लोग को आने वाला है। 60% पेपर आप लोग का बिल्कुल नॉर्मल ईजी पेपर आप लोग का आएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली है। तो टेंशन फ्री रहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताने वाला हूँ, मीन्स चाहे वो आप लोग के एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड हो, तो पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक बार जरूर बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी आप लोग की बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग कर सकते हैं CISF का एग्जाम, आप लोग निकाल सकते हैं, और आप लोग निकालेंगे। जी हाँ, आप लोग निकालेंगे, जरूर आप लोग एग्जाम क्लियर करेंगे। अब बात यह आ रही है कि एग्जाम सेंटर पे आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, ठीक है। अब हमें क्या क्या चीजें लेके जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मीन्स क्या क्या चीजें लेके जानी है। ऐसा तो पहले तो उन्होंने एडमिट कार्ड में सब कुछ क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी मतलब काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक हमें नहीं कुछ समझ नहीं आएगा, मीन्स जब तक सर नहीं बताएंगे हम वो चीज लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ, समय पे वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले आप लोग को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो भी एडमिट कार्ड आप लोगों ने अभी ऑनलाइन निकाला है वो एडमिट कार्ड आप लोग को लेके जाना है। एडमिट कार्ड पे आप लोग को एक फोटो लगानी है, फोटो जो आप लोग लगाएंगे उस पे आप लोग को सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब है आप लोग उस पे अपना नाम लिख के आप लोग जो है मींस सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट लिखिए, जैसे भी मतलब आप लोग को सेल्फ अटेस्ट उस पे लिख देना है नाम या सिग्नेचर लिखने के बाद। तो फोटो आप लोग लगाएंगे, इसके अलावा नीचे आप लोग के जो है दो बॉक्स दे रहे हैं सिग्नेचर के, उसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां पे आप लोग के सिग्नेचर कराए जाएंगे, तो वहां पे आप लोग जो है सिग्नेचर कीजिएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, नीचे आप लोगों ने देखा होगा कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी गई है, मीन्स CC इन नॉट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, या फिर मराठा सर्टिफिकेट, जर्नल सर्टिफिकेट, इस प्रकार की चीजें मतलब लिखी हुई है। ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों ने जब फिजिकल दिया था उस समय आप लोगों से कुछ ना कुछ चीजें मिस हुई थी, वहां पे आप लोगों से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उन्होंने जो है इस बार आप लोग के एडमिट कार्ड में इस चीज को लिख के दिया हुआ है, CC इज नॉट PP, मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आप लोग का यदि कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, आप लोगों ने अभी तक बना लिया होगा, सेंट्रल का ही आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट में ही आई है। इसके अलावा यदि आप लोगों से मराठा सर्टिफिकेट मांगा है, मींस कुछ भी चीज मांगी है, वो चीज आप लोग को लेके जानी है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, वो चीज आप लोग को लेके जानी है, वो चीज आप लोग से मिस नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल आप लोग लेके जाएंगे, और यदि हो सके तो आप लोग एक फोटो कॉपी भी उसकी करवा लेंगे, हो सकता है वो आप लोग की जो एक फोटो कॉपी को सबमिट करें तो ओरिजिनल के साथ आप लोग एक फोटो कॉपी रख लेंगे, और एक या दो फोटोग्राफ भी आप लोग अपने पास रख लेंगे। तो ये आप लोग का पूरा एडमिट कार्ड का प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हुआ हूं।
एडमिट कार्ड के साथ आप लोग को एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आईडी प्रूफ में आप लोग का आधार कार्ड है तो सबसे बेस्ट आप लोग का आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग वोटर कार्ड ले लीजिए, वोटर कार्ड नहीं है तो आप लोग पैन कार्ड ले लीजिए, ठीक है। जो भी है आईडी प्रूफ आप लोग एक आईडी प्रूफ ले लेंगे। आईडी प्रूफ के अलावा आप लोग को जो है पेन लेके जाना है, एक बॉल पेन आप लोग ले लेंगे, एक नहीं आप लोग दो बॉल पेन ले लेंगे। इसके अलावा आप लोग को कुछ भी लेके नहीं जाना है ऐसा सेंटर पे, सिर्फ एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ आप लोग के लिए काफी है, बॉल पेन पेन। लेकिन एडमिट कार्ड पे यदि कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है तो वो चीज भी आप लोग को लेके जानी है, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। इसके अलावा आप लोग को कुछ लेके नहीं जाना है, मास्क आप लोग जरूर लेके जाएंगे और सैनिटाइजर की छोटी बोतल यदि आप लोग ले सकते हैं तो वो भी आप लोग ले लेंगे। दूरी डिस्टेंस मतलब कोविड का पालन करेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो बस इस प्रकार से आप लोग को जाना है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं जाएगी। समय से निकलिएगा, समय से पहले ही निकलिएगा, 8 बजे का आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पे पहुंचने का, उससे पहले ही आप लोग वहां पे पहुंच जाएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम देते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि आप लोग देर से पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एग्जाम देने में, जी हाँ, मेंटली जो बच्चा स्टूडेंट काफी टेंशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। समय से पहले आप लोग पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक ले लीजिए, छोटी सी बुक आप लोग पढ़ते रहिए यदि लेके जाना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। तो ये आप लोग का हो गया एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अब बात आती है एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए, आप सभी लोगों का एग्जाम जो है ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के ऑफलाइन एग्जाम में है वो है आप लोग की निगेटिव मार्किंग। सीआईएसएफ के पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को बिल्कुल माइंड में आप लोग फिट करके बैठ जाइए, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। यदि नहीं आता है फिर भी आप लोग उस पर निशान लगाएंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाए। तो निगेटिव मार्किंग आप लोग की नहीं है, सभी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार पूरा देख लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप लोग एक से स्टार्ट कीजिए, बीच से स्टार्ट कीजिए, जैसे भी आप लोग स्टार्ट कीजिए, आप लोग उसे स्टार्ट कीजिए, समय का पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि आप लोग एक से स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोग उसे छोड़ देते हैं, तो इतना समय आप लोग के पास होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़े हैं उसे देख सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत से स्टूडेंट जो पीछे क्वेश्चन छूट जाते हैं उसे देख भी नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक से, तो आप लोग ये मान के चलिए जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें चाहे आप लोग को आ रहा है नहीं आ रहा है उसे आप लोग फाइनल करते चलिए, बाद का वेट मत कीजिए कि पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं इसे देखूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बहुत से स्टूडेंट जो है पीछे के क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि उन्होंने पहले छोड़ दिए हैं और बाद में सोचने के लिए। तो यदि आप लोग को सोचना ही है तो उसी वक्त सोचिए, उसी वक्त सोच के उसका आंसर दीजिए, बाद में सोचिए पहले सोचिए, ऐसा कुछ स्पेशल तो होगा नहीं कि आप लोग बाद में कुछ सोचेंगे तो उसका जो अलग रिजल्ट आएगा, जी नहीं। जो पेपर आप लोग दे रहे हैं उसे कंप्लीट करते चलिए, गोले गोले आप लोग करते चलिए, बाद का वेट आप लोग नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं बुकलेट पे निशान लगाते चले जाते हैं, ये क्वेश्चन ए बी सी डी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो OMR सीट है वो उनकी वैसी की वैसी पड़ी रहती है। 5 मिनट शेष रहते हैं OMR सीट भरने के लिए और 5 मिनट में आप लोग OMR सीट नहीं भर सकते हैं, ऐसा हुआ है। मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पूरा पेपर मेरा कंप्लीट है और OMR सीट 5 मिनट में भी मैं कंप्लीट नहीं कर सका, जबकि उसमें मेरे क्वेश्चन A to Z आप लोग मान के चलिए कि पूरे सही थे। तो इस जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं उसको आप लोग जो है ब्लैक कर लीजिए, मींस OMR सीट में आप लोग उसे फील जरूर कीजिए, बाद का वेट मत कीजिए। बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी आप लोग को सभी क्वेश्चन आते होंगे, आप लोग सभी पे लगाते रहेंगे निशान लगा, मींस सभी करते रहेंगे और आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग को आता है उस पर टिक करेंगे और आप लोग जो है उसे OMR सीट पे मार्क करते चलेंगे, बात का वेट नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये आप लोग का हो गया OMR सीट को लेकर के।
अब बात ये आती है कि सर हम जा रहे हैं, अब 21 तारीख को हमारा एग्जाम है, मॉर्निंग में 8 बजे हमें पहुंचना है, और कुछ बच्चों का दूर सेंटर पड़ा हुआ है तो उन्हें 20 तारीख को ही निकलना पड़ेगा, समय बहुत कम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ अब ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है आप लोग की दिमाग आप लोग का खराब रहे, बिल्कुल ऐसा कुछ आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, जो पढ़ लिया बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, इतना समय आप लोग के पास मिला है, और मैं जानता हूं सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज आप लोग जरूर कर लीजिए, जी हाँ एक चीज आप लोग जरूर कीजिए, 2019 का करंट एक बार आप लोग देख लीजिए, 2019 का करंट आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, यदि करंट की बुक आप लोग के पास पड़ी है तो 2019 का करंट आप लोग जरूर देखिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आप लोग के जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जीके में, उसको एक बार पूरे चैप्टर को एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, इन सब चीजों पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं। हिंदी में आप लोग यदि जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है विलोम शब्द मुहावरे वगैरह ये सब चीजें आप लोग एक बार देख लिए जाने से पहले, ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगेगा, लेकिन 2019 का करंट जरूर देखिए, कुछ देखिए चाहे मत देखिए। तो आज का वीडियो CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के नाम था, काफी स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन मुझे पता था कब आप लोग के लिए वीडियो बनाना है कब वीडियो नहीं बनाना है। टेंशन फ्री जाइए, विदाउट टेंशन रहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछिए, डरने की क्या बात है, सेंटर पे पहुंचिए, मैसेज कीजिए, मैं बैठा हुआ हूँ आप लोग के लिए। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूंगा यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जाने से पहले एक बार और बेस्ट आप लोग पेपर दे के आइए, और पेपर देने के बाद आप लोग मुझे बताइए। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।